तो ये देखो प्यारे बच्चों, एक सवाल है, जनरली बच्चे इसको डाउट में लेके आते हैं, आई होप आपको भी ये डाउट आया होगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें बेसिकली है कि एक अपने पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये वाली लेंस होती है, ये जो है प्लेन जो कन्वेक्स लेंस होती है वो ये वाली कन्वेक्स लेंस होती है, बट इट इज़ सिल्वर ऑन इट्स प्लेन सरफेस। मतलब प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया, इधर से जो प्लेन सरफेस है वो पॉलिश कर दिया, तो ऑब्वियसली ये वाली जो है वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लाइट अब इधर से इंसिडेंट कराएंगे हम, ठीक है, क्योंकि इधर वाला जो सरफेस है वो क्या हो गया, सिल्वर्ड हो गया है। तो अगर लाइट मैं इधर राइट साइड से इंसिडेंट कराऊंगा तो ये कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वरिंग। देखो हम सबको पता है, आप पढ़े होंगे कि जब कभी भी किसी भी लेंस को सिल्वर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कन्वेक्स है, अगर किसी को पूरा सिल्वर कर दोगे, आधा नहीं पूरा, तो ये जो है एक लेंस जो है वो लेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेंस जो है वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। लेंस लेंस रहता ही नहीं है, लेंस अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और क्या बन जाता है बच्चों, मिरर बन जाता है। तो आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आता होगा कि कभी भी लेंस को पॉलिश कर दोगे तो लेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू मिरर। मिरर दो टाइप का होगा, या तो कनकेव मिरर बनेगा, ठीक है, या कन्वेक्स मिरर बनेगा, ठीक है। अगर कर्व सरफेस है तो कन्वेक्स बनेगा या तो कॉनकेव बनेगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये बात पता होगा कि ये तो कॉन्सेप्ट है। अब करना कैसे होता है, देखो इसको करने के लिए वैसे तो अलग अलग तरीके हैं, बट अभी तो मेडिकल में हो चलो मान लेते हैं, तो यहाँ से दो सरफेस के लिए मैं बता रहा हूँ जहाँ दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ कि 1/फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है ना, दिस कम्बाइंड मिरर की फोकल लेंथ तुम जो यूज करोगे फार्मूला, 1/फोकल लेंथ ऑफ द मिरर -2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तुम्हें एक काम करना है, ये वाला जो फार्मूला है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे लगाना है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे जो ये वाला, ये जो प्लेनो कन्वेक्स, ये जो प्लेनो था ऐसे था, समझे, ऐसे था, इसको तुम दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक है। ये एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर इस साइड, प्लस ये एक कर्व मिरर, ऐसे कर्व लेंस से मिलके बना है, ये एक प्लेन मिरर प्लस ये लेंस प्लेनो प्लेनो लेंस से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। इसको तुम्हें दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। अगर अपना ऐसे ये वाला रहेगा तो इसको कैसे दो पार्ट में ब्रेक, एक कन्वेक्स लेंस और प्लस यहाँ से कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ अब मिरर हो गया और ये फोकल लेंथ लेंस हो गया, और ये जो एफ, ये वाला जो है एफ क्यू, ये जो कैपिटल एफ है वो फोकल लेंथ अब कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब एक काम करना है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन्फिनिटी है, तो 1/फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो है वो तो ज़ीरो आ जाएगा। तो एक तो अपने को यहीं पे मिल गया। अब लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, आई होप कि आपको फार्मूला आता होगा और पढ़ाई भी किए होगे आप, ठीक है। तो ये जो लेंस है, ये वाला लेंस, अब लाइट रे आप इधर से डाल रहे हो, ठीक है, इधर से डाल रहे हो, तो ये वाली जो है वो R2 बनेगी जो कि इन्फिनिटी जाएगा, और कर्व सरफेस ये वाली जो R1 बनेगी जो कि पॉजिटिव R आएगा, ठीक है। तो 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू -1 और 1/R1 और -1/R2 का हम फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस फार्मूले को लगाऊँ तो देखो म्यू दिया होगा यहाँ पे, म्यू कितना है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 -1 और 1/R1, 1/R1 जो है वो प्लस यहाँ से 10 आ जाएगा, -1/R2 इन्फिनिटी, तो यह आ जाएगा 0.5, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट हटाने के लिए, और एक 10 यहाँ था ही, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 5/, यहाँ से 2 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा कट कुट के 10/, ये हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा यार, ये यहाँ से कट जाएगा 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/20 यहाँ से फाइनली कैलकुलेशन देखो, हाँ ऑब्वियसली 20 यहाँ से आ रहा है, तो जो 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस है वो आ जाएगा अपने को 20, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से 20 आ गया, तो अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, अब जो फार्मूला रिक्वायरमेंट था उस फार्मूले में मैं रख देता हूँ। ऊपर वाला फार्मूला था 1/फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर
माइनस टू टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसमें रखेंगे वन अपॉन ज़ीरो माइनस टू अपॉन, यहाँ से वन बाई ट्वेंटी है, इसकी वैल्यू दिया जाएगा वन अपॉन टेन, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन माइनस टेन सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये होता है कि ये जो मिरर बनेगा, बनेगा तो मिरर ही, पर ये जो मिरर बनेगा वो कॉनकेव मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो माइनस साइन ये भी बता रहा कि कॉनकेव मिरर बनेगा, ठीक है ना। तो उसको दो पार्ट में अपने को ब्रेक कर लेना, मतलब ये जो है ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट करो। देखो यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, तो तुमको जो है सपोर्ट करो बाई लाइक शेयरिंग और कमेंट करके। तुम्हें प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई।